नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज पुडुचेरी तमिलनाडु से टकराएगा चक्रवाती तूफान फेंगल, सभी स्कूल कॉलेज हुए बंद, समुद्र तट के नजदीकी सड़कों पर आवाजाही बंद। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही खनौरी बॉर्डर पहुंचे डल्लेवाल, आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्व बैंक से मांगी मदद, राज्य की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए मांगी सहायता, सहयोग से पंजाब और होगा मजबूत और विकसित। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में एक और जहां ठंड पैर पसार रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन फेंगल नामक चक्रवाती तूफान का रूप लेने जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुडुचेरी के पास सर से टकरा सकता है। हालांकि इससे पहले ही फेंगल के असर से मौसम बदलने लगा है और इसके कारण समुद्री तट पर उथल पुथल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक फेंगल के असर के कारण हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तमिलनाडु सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद करीब 4000 नावें समुद्र से वापस बुला ली हैं। साथ ही समुद्र तट के नजदीकी सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। जरूरत के हिसाब से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पूर्वी नौसेना कमान ने अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिव कर दिया है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार रात 12 बजे से खरौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे डीएमसी अस्पताल से छुट्टी मिली और उनको लेने के लिए सरवन सिंह पंदेर और उनके साथी लुधियाना पहुंचे थे। डीएमसी से बाहर आते ही डल्लेवाल ने ऐलान किया कि उनका मरण व्रत अस्पताल में भी जारी था और आगे भी रहेगा। डीएमसी से निकलकर सभी किसान नेता खनौरी बॉर्डर पहुंचे। डल्लेवाल खनौरी पहुंचने पर आमरण अनशन पर बैठ गए और अस्पताल से बाहर आते ही डल्लेवाल ने कहा कि जांच तो सिर्फ बहाना था, सरकार उनका आंदोलन खत्म करना चाहती थी। डल्लेवाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मान सरकार ने केंद्र के साथ भाईचारा निभाया है। डल्लेवाल ने साफ किया कि किसान अपने हक हर हाल में लेकर रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व बैंक से पूर्ण समर्थन की मांग की। भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टिनो क्वामे के साथ एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा। भगवंत सिंह मान ने राज्य सरकार की वित्तीय और संस्थागत संरचना को मजबूत करने, विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन सुधारों संबंधी राज्य के ठोस एजेंडे को प्रदर्शित करते हुए कहा कि उनकी ओर से यह वित्तीय सहायता मांगने का उद्देश्य वित्तीय सूझबूझ, बेहतर प्रशासन और कुशल सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राज्य के विकास प्राथमिकताओं को मजबूत आधार मिलेगा। वही अगस्टिनो क्वामे ने विकास और प्रगति के लिए पंजाब की क्षमता को स्वीकारते हुए एक मजबूत और लचीले सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे के महत्व पर जोर दिया और पंजाब के प्रयासों का समर्थन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करना अब और मुश्किल हो सकता है। कनाडा सरकार एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम से लेकर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट प्वाइंट्स हटाने पर विचार कर रही है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। कनाडा सरकार का मानना है कि एलएमआईए आधारित नौकरियां अब गलत लाभ और धोखाधड़ी का जरिया बन रही हैं। कई फर्जी जॉब ऑफर लेटर हजारों डॉलर में बेचे जा रहे हैं, जिससे असली योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। अब कई कंपनियां विदेशी वर्कर्स को नियुक्त करने से बच सकती हैं, जिससे छात्रों के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। विधानसभा चुनाव में लगे झटकों के बाद बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संगठन को लेकर मंथन हुआ, साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। पार्टी ने ईवीएम समेत पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा संगठन में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाबदेही के मद्देनजर चाबुक चलाने तक को कह दिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुटबाजी और अनुशासन को लेकर नसीहत दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कठोर फैसले लेने और संगठन में बदलाव की बातें की। बैठक में एक दिलचस्प वाक्य तब हुआ जब
चुनावी जवाबदेही और संगठन के फैसलों में होने वाली देरी का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि व्यवस्था ठीक करने के लिए मुझे चाबुक चलाना पड़ेगा। समर्थन के अंदाज में राहुल गांधी तुरंत बोले, खड़गे जी चाबुक चलाइए। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोन नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी ऑफिसों और आवासों पर ईडी की छापेमारी के बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सनसनीखेज खबर सत्य को ढक नहीं सकती। साथ ही उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी आलोचना की जिनमें उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को इस मामले में घसीटा गया और इसे अस्वीकार्य बताया। राज कुंद्रा ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि जब मीडिया को ड्रामा की आदत हो तो हम सच का खाता साफ करें और मैं इस जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं जो पिछले 4 साल से चल रही है। सहयोगी फोनोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों के बारे में कहें तो कोई भी सनसनीखेज खबर सत्य को नहीं ढक सकती। अंत में न्याय की जीत होगी। वह पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि आखिरकार सत्य सामने आएगा और न्याय होगा। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का नाम बार बार असंबंधित मामलों में घसीटना अस्वीकार्य है, कृपया सीमाओं का सम्मान करें। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में पास हुआ एक बिल इस समय काफी चर्चा में है। ब्रिटिश संसद में पेश यह बिल इच्छा मृत्यु को लेकर है। इस बिल के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को अपना जीवन खत्म करने में मदद मिलेगी। इस बिल को ब्रिटेन के संसद से शुरुआती मंजूरी मिल गई है जिसे अब ऊपरी सदन में भेजा जाएगा। संसद में बहस के बाद इस बिल पर संसद में वोटिंग कराई गई जिसमें विधेयक के पक्ष में 330 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 275 वोट पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और संस्कृति मंत्री लिसा नंदी उन ब्रिटिश भारतीय सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। अब यह बिल संशोधन और विचार के लिए संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा। इस बिल की निगरानी इंग्लैंड और वेल्स के चीफ मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से की जाएगी। यह बिल भले ही निचले सदन से पास हो गया हो लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं है क्योंकि बिल की वोटिंग के दौरान संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह पर विरोध देखने को मिला। बिल का विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल की मदद से लोगों पर मारने का दबाव भी डाला जा सकेगा। हालांकि इस बिल का अभी उच्च सदन में पास होना बाकी है। बता दें कि कई देशों में इच्छा मृत्यु का नियम है। आत्महत्या को वैध बनाने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में हो गई है। वहां 5 दिनों से बंद इंटरनेट सेवा तो शुरू कर दी गई है लेकिन अब धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 163 लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है। डीएम के आदेश के अनुसार अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ना तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का जुलूस निकलेगा और न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह बनाया जाएगा। इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि विवाद, शव यात्रा और यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने घरिंडा अमृतसर के पास नूरपुर पदरी से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान से तस्करी करके लाए गए हथियारों की खेप को सौंपने के लिए किसी अन्य ऑपरेटिव का इंतजार कर रहे थे। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों से 8 अत्याधुनिक हथियार मिले हैं और इनमें से 4 ऑस्ट्रेलिया में निर्मित ग्लॉक पिस्तौल, 2 तुर्की 9 मिलीमीटर पिस्तौल, 2 एक्सशॉट जिगाना 30 बोर पिस्तौल के साथ 10 राउंड शामिल है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।